ये सर टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री कम करता है। अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है तो 26 डिग्री 22 डिग्री 23 डिग्री ला देता है। देख रहे हैं सर, सर मोबाइल में क्योंकि अंधेरा इधर है तो आपको शायद दिख रहा हो या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है सर। देखिए हमने टेम्परेरी लगाया है बताने, ऐसे डेयरी फार्म लग जाएगा कितना बेस्ट है। जी जी, सिंगल नोजल है, पानी का खर्चा नहीं, दो बाल्टी पानी रख दी। 6 से 8 पशु है। अच्छा। जो बहुत बड़ा डेयरी फार्म है जिनका, उनके लिए बेस्ट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। ये 6 पशु से 8 पशु वालों के लिए बेस्ट। आज के रेट में कोई आदमी किसी घर पे जाके इस रेट में सर्विस दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारे जो पीछे हैं मनीष जी हैं, जो कि मनीष इंटरप्राइजेज बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना चेहरा है। क्योंकि जो चीज़ें पंजाब हरियाणा गुजरात में जो चीज़ें उपलब्ध होती थी, आज वो बिहार में आसानी से उपलब्ध कराते हैं। तो ये एक वरदान माना जाएगा हमारे बिहार वासियों के लिए या पड़ोसी राज्य के लिए। तो काफ़ी और सस्ती रेट में, देखिए कमाना तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कमाऊँ, लेकिन एलिजिबल रेट यानी कि जो निगलिजिबल रेट होता है, यानी कि जो सस्ती रेट होता है, जो वाजिब रेट होता है, उस रेट में ये हर एक चीज़ उपलब्ध कराते हैं डेयरी से रिलेटेड। तो आप, गर्मियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है और आज मनीष जी जो है कुछ गर्मियों से संबंधित आपके लिए लाए हैं, तो आज हम मनीष जी से बात करेंगे और पूरी पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करिए ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल। नमस्कार सर, आप मेरे पास आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपका परिचय के साथ एक अपने दर्शकों को ये भी परिचय दे दूँ कि आप हमारे बिहार झारखंड या उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान है, जो कि आप डेयरी से रिलेटेड हर एक इक्विपमेंट्स को रखते हैं और ये हमने पिछले 3 सालों से ऐसा देखा है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, आपका ये कहाँ पर है ये बताएं सर। हमारा जो कंपनी है पटना 0 माइल के पास है सर, और हमारा ऑफिस जो है बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के पास है जी। और हम डेयरी में हर तरह के इक्विपमेंट कोशिश करते हैं डील करते, मतलब रखते भी हैं, बहुत बड़ी मशीन भी रखते हैं, छोटी मशीन भी रखते हैं, छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स जितने आते हैं सब में डील करते हैं सर जी जी। और आज हम अपने किसान को, जो डेयरी फार्मर हैं, जो गाय रखे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है उसमें हम डेयरी फार्म फॉगर सिस्टम के बारे में बताएंगे सर। अच्छा। जो फॉगर सिस्टम था पिछले साल से हम बहुत दिन से बेच रहे हैं, लेकिन जो हमारा था वो 14,000 रुपये का था जी। 14,000 में लड़का जाता था, लगाता था, इंस्टॉल करता था, 16 फॉगर लगाता था, लेकिन उसमें बहुत लोग नहीं लगा पाते थे, क्या था बजट कुछ ज़्यादा रहता था और उसमें हम लोग भी मजबूर रहते सर। एक्चुअली होता क्या था, क्रम्पटन का उसमें मोटर रहता था, 4 से 5 हज़ार का मोटर लग जाता था, लेकिन उसमें कॉस्टिंग उतनी हो जाती थी। लेकिन अभी हम जो कंपनी का अपना जो अभी बनाए हैं उसमें ओनली 4,000 रुपये सर जी। 4,000 में कंपनी का इंजीनियर जाएगा आपके पास और जाके आपके भर फॉगर वगैरह सब इंस्टॉल करेगा। अच्छा। हाँ, तो आखिर फॉगर लगाने से किसानों को क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, फॉगर जो होता है वो क्या करता है सर, फॉग बनाता है, मतलब पानी का फुहारा फेंकता है। जैसे ये अप्रैल चल रहा है सर जी जी, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल तो ठीक है, लेकिन अब इसके कुछ दिन बाद गर्मी बहुत तेज होगा जी जी, जो मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है पशुओं के लिए। शेड में जो पशु रहते हैं उनमें गर्मी, वो शेड इतना लहकता है उससे गर्मी होता है। तो ये क्या करता है सर, पानी का मिस्ट फेंकता है। अगर पशु के शरीर पर ये मिस्ट पड़ेगा और जब पंखा का हवा उसे लगेगा तो वो बहुत ज्यादा आराम उसको मिलेगा, वो कम हाँफेगा। तो फॉगर का यही फायदा है सर। पंजाब वगैरह के डेयरी देखिएगा तो ये सब तो हम लड़का भेज के लगा रहे हैं, वहाँ के फार्मर ऐसे हैं कि नॉर्मली चीज है उनके लिए, वो लोग खरीदते हैं मार्केट से, ले जाकर अपने घर में लगा लेते हैं, खुद ही लगा लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि वो आम बात है, लेकिन यहाँ क्या कुछ डॉक्टर आपको बताएंगे कि जानते हैं सजेशन लोग, नहीं ये नहीं लगाइए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब गलत बात होता है। हम तो इतना दिन से बेच रहे हैं तो इसलिए ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे आपको गाय को बहुत राहत मिलता है। मेडिकली तो सर इसमें बहुत रिलीफ मिलता है, मेडिकली इसलिए रिलीफ मिलता है कि जैसे मान लीजिए जैसे गर्मी के दिन में देखते हैं दवा का सेल ऐसे ही बढ़ जाता है, वेटनरी दवा का जी जी, तो ये फॉगर वगैरह लगाइएगा तो उससे गाय को हाफने का जो होता है, गाय हाफती नहीं है, और पहला फायदा होता है कि दूध जो भाग जाता है सर गाय का कम हो जाता है, वो दूध कम नहीं होता है इससे। अच्छा, अच्छा। होता क्या होता गर्मी मई जून में तो होगा कम, लेकिन उस हिसाब से कम नहीं होता है। और सर ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कि आप एक इसमें इन्वेस्टमेंट है कि ये हो जाएगा, नहीं ये बहुत बेस्ट चीज़ है। अच्छा, कैसे ऑर्डर कर सकते हैं आपके पास इसका सर? ऑर्डर करने के लिए हमारा जो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है उस पर आपको बजाते मैसेज करना है। अगर आप व्हाट्सएप वाले हैं, व्हाट्सएप आपके पास नंबर है, तब नहीं है तो आपको फोन करना है, अपना पूरा एड्रेस लिखाना है और एड्रेस क्या है क्या नहीं है वहाँ कस्टमर केयर वाले बता देंगे जी जी। कितना दिन का टाइम लेगा, वेटिंग पीरियड मैक्सिमम 7 डेज होता है, मिनिमम 2 डेज होता है। जैसे आपने आज ऑर्डर दिया कल भी आदमी जा सकता है। अच्छा, तो 7 डेज से 2 डेज मैक्सिमम मिनिमम होता है। एडवांस पेमेंट भी कुछ करनी पड़ेगी? बिल्कुल हाँ, एडवांस पेमेंट में आपको सर 600 रुपये डालने होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, 600 रुपये डालने होते हैं, उसमें आदमी जाता है और 3400 रुपये आपको आपके मशीन को लगने के बाद देने होते हैं जी जी। हाँ,
तो वारंटी गारंटी की क्या बात है? वारंटी सर इसमें सर जो इसका टाइमर है इसकी 6 महीने की वारंटी है सर। अच्छा, सिर्फ टाइमर पर? सिर्फ टाइमर की। मोटर वगैरह खराब होगा सर, 700-800 का मोटर आता है। अच्छा, वो सब मिल जाएगा। इसका मिस्ट देख रहे हैं ये? जी जी, ये देख रहे हैं क्वालिटी इसका। बिल्कुल, सर बिल्कुल कितना मिस्ट बना रहा है। और ये ऑटोमेटिक चलेगा टाइमर से। इधर आइए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। जी जी, ये देखिए, ये देखिए, ये जी बिल्कुल। तो कितने डिग्री टेम्परेचर मतलब ये कम कर देगा आखिर? ये सर टेम्परेचर 15-16 डिग्री कम करता है। तो अगर 35 डिग्री टेम्परेचर है तो 26-22-23 डिग्री ला देता है। देख रहे हैं सर, एचएफ गायों के लिए तो एक तरह से मान के चलिए वरदान। हाँ, बिल्कुल सर, क्योंकि उनका दूध गर्मी में भाग जाता है और भागने के कारण बहुत नुकसान होता है। ये देखिए सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये दिख रहा है सर मोबाइल में, क्योंकि अंधेरा इधर है तो आपको सर दिख रहा हो या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है सर। देखिए हमने टेम्परेरी लगाया है बताने के लिए, ये दिखाइए इधर जी। अगर हो सके तो फ्लैश जला के आप दिखाइए, उसमें कस्टमर को ज़्यादा आइडिया मिलेगा। दिखाइए इधर, दिखाइए ये फॉग, दिखाइए ये तो डिस्चार्ज है जी बिल्कुल। ये फॉग है सर। तो सर 4000 में आप इतनी अच्छी चीज़ हमारे पशुपालक भाइयों को दे रहे हैं, क्योंकि 4000 एक मतलब कोई बड़ी अमाउंट है नहीं मेरे समझ से ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी बचत भी होगी, जैसे दवा फिर दूध सभी चीज़ों की बचत होगी। ये चीज़ बिल्कुल देख रहे हैं, ये जो है ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं फेंक रहा है, ये फॉग फेंक रहा है। ये देखिए हमारे हाथ पे पड़ रहा है, ये देखिए, ये जो है ऐसे डेयरी फार्म लग जाएगा, कितना बेस्ट है जी जी। सिंगल नोजल है, पानी का खर्चा नहीं, 2 बाल्टी पानी रख दीजिए बस चलते रहेगा, पूरे दिन भर का काम हो जाएगा 2 बाल्टी। अच्छा, ऑटोमेटिक चलते रहेगा। टाइमर के अनुसार सेट भी? हाँ, टाइमर के अनुसार सेट कर दीजिए, चलना है बंद होना है जी जी। और ये उनके लिए है जिनके पास 6 से 8 पशु है। अच्छा। जो बहुत बड़ा डेयरी फार्म है जिनका, उनके लिए बेस्ट नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। हाँ हाँ। ये 6 से 8 पशु वालों के लिए बेस्ट है। अच्छा। जिसमें 10 फोकर 8 फोकर लग जाता है जी जी। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारा 100 गाय का डेयरी फार्म है, 50 गाय का हम ये लगा दें, तो ये उसके लिए वो जो पिछला साल हम सेटअप देते थे 14,000 रुपये का, 18,000 रुपये का, वो सेटअप है। ये हम उनके लिए लाए हैं जिनके पास 6 गाय है, 7 गाय है, मैक्सिमम 8 गाय है उनके लिए, जिनकी सेट की लंबाई चौड़ाई जो है वो मतलब 40-50-60-70 फीट तक है जी जी। लंबा जी जी। एक नोजल लग गया उनके लिए बेस्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये जो 5 गाय 6 गाय 7 गाय तक रखे हैं वो ऑर्डर बुक कराएं, नहीं तो बड़ा फोगर के लिए फिर जिनकी बड़ी डेयरी फार्म है वो अपना उनसे बात करें। सर इतनी सस्ती रेट में आप इतनी अच्छी चीज़ हमारे पशुपालक भाई को दे रहे हैं। और सर मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ कि आज के रेट में कोई आदमी किसी घर पे जाके इस रेट में सर्विस दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बात है। आप कोई चीज़ मंगाते हैं, ये 5-5 लाख 3-3 लाख की बड़ी बड़ी मशीनें हैं, फिर आदमी जाता है, क्योंकि जो आदमी भी काम करता है उसकी सैलरी कहीं ना कहीं 15-18 हज़ार रुपये होगी जी जी बिल्कुल। वो पटना से जा रहा है बाई बस बाई ट्रेन आपके घर पे, ये 4,000 रुपये का सामान इंस्टॉल करके आ रहा है, अलग से कोई हिडन चार्जेज नहीं है इसमें। हाँ, ये मैं बता दूँ कि अगर भाड़ा लगेगा सर बस का 200-300 वो तो भाई देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके काम के लिए जा रहा है, उसका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, 200-300 भाड़ा लग जाएगा तो अलग चीज़ है जी। और पटना में लोकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दूर में जो भाड़ा लग जाए वो अलग चीज़ है। ट्रेन से भी कम भाड़ा लगता है, ट्रेन से चला जाएगा बंदा जी जी। लेकिन अलग से कोई चार्ज हिडन नहीं है, आदमी को किसी तरह का चार्ज नहीं दिया, क्योंकि उसका चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। चलिए सर, इतनी कम सस्ते रेट में आप इतनी अच्छी चीज़ दिखा रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।